हे व्यूअर्स, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और इवन जो बड़े बेबीज़ हैं लाइक 6 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड इवन लेटर, जो मसाज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें उनका मसाज रेगुलरली करना चाहिए। तो बेबीज़ का मसाज एक बहुत ही पुराना एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन है, जो बहुत टाइम से किया जाता है कि बच्चों को मसाज करके थोड़ा 10-15 मिनट, उसके बाद उनको बाथ दिया जाता है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के बड़े बेबीज़ लाइक 1 ईयर 2 ईयर तक भी आप कर सकते हैं। और इससे बच्चों की जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट सप्पल बनी रहती है और उस पर एक ग्लो भी रहता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करें। तो रिसेंटली मैंने हिमालय का बेबी मसाज ऑयल ट्राई किया और मुझे ये ऑयल बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी 5 ईयर ओल्ड डॉटर और 15 मंथ ओल्ड डॉटर दोनों पर इसको ट्राई किया, तो मुझे ये ऑयल काफ़ी अच्छा लगा और इससे उन दोनों को कोई भी एलर्जी नहीं हुई। तो आज मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू हिमालय बेबी मसाज ऑयल का दूंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मॉम एंड फैमिली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये है हिमालय बेबी मसाज ऑयल। ये 500 ml की बॉटल है। हिमालय एक बहुत ही वेल नोन ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पर ये आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ना कि एक अच्छा बेबी प्रोडक्ट है बट ईजिली अवेलेबल भी है। तो इस बॉटल का साइज़ है 500 ml और इसका प्राइस है 375 rupees। अमेज़ोन पे ये आपको डेफिनेटली लोअर प्राइस पर मिल जाएगी। तो इसमें 200 ml की बॉटल भी आती है, उसमें पंप नहीं होता। और जो 500 ml की बॉटल है उसमें ये पंप प्रोवाइडेड है। मुझे ये पंप बेटर लगता है क्योंकि इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना ऑयल निकाल रहे हैं। तो इस पर ये मेंशन है कि ये फ्री ऑफ मिनरल ऑयल और लैनोलिन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बेबी प्रोडक्ट में। मिनरल ऑयल्स अच्छे नहीं होते बेबी स्किन के लिए। इस पर ये भी मेंशन है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है और ये हाइपो एलर्जेनिक है और काफ़ी जेंटल और सेफ है आपकी बेबी की स्किन के लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं हिमालय बेबी मसाज ऑयल के इन्ग्रीडियंट्स की, तो इसमें है ऑलिव ऑयल जो कि आपकी बेबी की स्किन को नरिश करता है, विंटर चेरी जो कि स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, एंड एलोवेरा जो कि मॉइस्चराइज करता है बेबी स्किन को। तो मैं इस पर जब पढ़ रही हूँ तो इसमें मुझे कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स का ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप न्यूबॉर्न बेबी पर ये हिमालय का बेबी मसाज ऑयल यूज़ करें। जब मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थीं, लाइक न्यूबॉर्न थीं, तो हम उनके लिए कोकोनट ऑयल या फिर कई बार अगर विंटर मंथ्स हैं तो प्योर घर का बना हुआ घी और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो इन चीज़ों से मैंने उनका मसाज किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आप भी वही यूज़ करें, यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और अगर बहुत विंटर के मंथ्स हैं तो आप घर का बना हुआ घी भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे वो 3-4 मंथ्स के हो जाते हैं, तब आप इस ऑयल का छोटा बॉटल परचेज करके उनका एलर्जी टेस्ट करिए, जिसके लिए आप उनकी एल्बो पर या पैर पर इसको लगा करके देखिए 48 आवर्स तक कोई रिएक्शन अगर नहीं होता है तो ये मसाज ऑयल आप बेबी पर यूज़ कर सकते हैं। ये पैच टेस्ट या एलर्जी टेस्ट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ऑलिव ऑयल है, विंटर चेरी है, एलोवेरा है। तो मेक श्योर करने के लिए कि हमारे बेबी को इनमें से किसी भी चीज़ से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, बस इसलिए हमें ये पैच टेस्ट करने की ज़रूरत है।
उसके बाद ये मसाज ऑयल आप अपने बेबी पे यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हिमालय का बेबी मसाज ऑयल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने बेबी के मसाज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसे डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा। तो होपफुली आपको हमारा ये हिमालय बेबी मसाज ऑयल का रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली, सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो, बाय फॉर नाउ।